Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. वही सभी से बात करते हुए कहता है कि अभी कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। मिस्टर रिया, जो फॉर्मल कलर आप चाहते थे उसकी जगह पर येलो और पिंक आया है, और जो यंग मास्टर नुकवा ग्रे और व्हाइट चाहते थे उसकी जगह पर मस्टर्ड येलो आया है। फ्लावर भी कम पड़ रहे हैं और हम बाहर वेडिंग अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मौसम भी हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो मिस्टर हिया और मिस्टर नुकवा, आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो हिया कहता है कि क्या हमारे पास इन चीज़ों को ठीक करने के लिए टाइम बचा है? तो वह कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो हिया कहता है कि अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा अभी, तो जाओ जल्दी से इसे ठीक करो। जेसन वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं अभी जाकर सब कुछ ठीक करता हूँ। ये बोलो वहाँ से चला जाता है। तभी हिया सभी से कहता है कि गाइस, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। फिर सभी सब कुछ अरेंज करते हुए नजर आते हैं। इतने में ही रात हो चुकी होती है, जहाँ सभी साथ में चलते हुए दिखते हैं, जिसमें हिया नुकवा से कहता है कि तुम थक तो नहीं गए हो ना? तो कहता है नहीं। वैसे तुम्हारा क्या, क्या तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो क्या? तो कहता है नहीं नहीं। तभी नुआ रसायन एक्टिंग कर वहाँ से नुकवा को ले जाते हैं। तो ये देख ये कहता है कि चलो हम भी वाइन शाइन पीने चलते हैं। इधर सभी बैचलर पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। थोड़ी देर बाद हिया और ई को दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें हिया कहता है कि क्या यही मेरी बैचलर पार्टी है? तो कहता है कि हाँ हाँ, बाकी थोड़ा बिजी थे इसलिए वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारे लिए जल्दी एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करेंगे। तो ये सुन हिया उसे शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि कल मेरी शादी है, तो मैं कल दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी होऊंगा। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें लोगों की तरफ से कोई राइट नहीं मिलेगा, तो तुम फिर भी ये शादी क्यों करना चाहते हो? तो कहता है कि आखिर तुम मुझसे यही सवाल बार बार क्यों पूछते हो? ये हमारी राइट्स है कि आखिर हम क्या डिसाइड करेंगे? मुझे तो लोगों का सपोर्ट कभी चाहिए ही नहीं था। मैं तो जितना हो सके उतना बस ये नुकवा के लिए, उसकी फैमिली के लिए ऑफिशियल बनाना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें इससे क्या मिलेगा सिवाय इसके कि तुम किसी के साथ एक बंधन में बंध जाओगे? तो हिया कहता है कि आखिर मुझे इसके अलावा और चाहिए ही क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें बड़ा आता है अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करना। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्यार को डिफाइन करने के लिए शब्द काफी नहीं है, चाहे लोग इसे डिफाइन करने के लिए कितने ही सुंदर शब्दों का प्रयोग क्यों ना कर ले, इसलिए लोग अपने आप को शादी के बंधन में बांधते हैं। मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं नुकवा को डांट दूंगा या नुकवा मेरी किसी बात से नाराज हो जाएगा, लेकिन फिर भी नुकवा और मैं एक दूसरे को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अभी और हमेशा के लिए। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी नुकवा के साथ बिताना चाहता हूँ। तो ये सुनी कहता है कि हाँ, वो तो तुम जरूर ही कर लोगे। थोड़ी देर बाद ई को दिखाया जाता है, जो कोंदियाव का वेट कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे आ जाता है, तो उसे देख ही कहता है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए? तो वो कहता है कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बस जा ही रहा था। ये बोलो उसे किस कर गुड नाइट बोल के चला जाता है। इधर नुआ और असाइन को दिखाया जाता है, जो साथ में सोते हुए नजर आते हैं। तो नुआर उनके बीच के पिलो को हटाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आकर सो सकता हूँ क्या? ये बोल वो उसके पास आते हुए उसे किस करने लगता है, लेकिन इसी बीच साइन उसके लिप्स को काटते हुए कहता है कि अरे अरे, मुझे माफ कर देना, मैं किस करने में अच्छा नहीं हूँ। तो कहता है कि कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेसन सिखाता हूँ। ये बोल वो उसके हाथ से अपनी टी शर्ट को निकलवा कर उसे किस करने लगता है। फिर वो उसकी टी शर्ट के बटन खोलने लगता है और उसके सीने पे किस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी बीच साइन को गुदगुदी होने लगती है, तो वो उसे लात मारते हुए पीछे धकेल देता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे अपने पास खींचते हुए उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन इसी बीच साइन उसे फिर से चोट पहुँचा देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम ठीक हो? तो नूर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सो ही जाना चाहिए। ये बोल वो दोनों सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ही बाहर अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पे नुकवा आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए कुछ चीज़ों को सोचने लग गया था। थोड़ी देर बाद वह कहता है कि क्या तुम सच में अभी शादी करना चाहते हो? तो ये सुन नुकवा कहता है कि क्या तुमने बैचलर पार्टी के बाद हमारी मैरिज पर सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए हैं क्या? तो कहता है नहीं नहीं, जब हमारी बात होती है तो मैंने कभी भी डाउट नहीं किया है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। तो नुकवा कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो जल्दी से शादी करते हैं।
तो ये सुन हिया कहता है कि आखिर तुम मुझसे ये कितनी बार कहने वाले हो। तो कहता है कि क्या करूं, ये मेरे आपस से बाहर है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूं। तो हिया कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूं। ये बोल वो उसे किस कर लेता है। फिर वो उठकर अपने कपड़े उतारने लगता है तो ये देख नुकवा उसे रोकते हुए कहता है, हिया तुम ये क्या कर रहे हो, चुपचाप से अपने कपड़े पहनो। तो वो कहता है कि मैं तो बस स्विमिंग करने जा रहा था, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है क्या। तो नुकवा कहता है कि इतनी रात को तुम्हें स्विमिंग करना है। नहीं, मुझे नहीं करना। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ स्विमिंग नहीं करना है तो क्या मैं तुम्हारे साथ। ये बोलो उसी के ऊपर गिर जाता है और उसे किस करने लगता है। इसी बीच वो उसकी टी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो ये देख नुकवा कहता है कि हिया क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ ये सब करना सही रहेगा, क्या हुआ अगर किसी ने देख लिया तो। तो हिया कहता है कि हमें यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। ये बोलो उसे फिर से किस करने लगता है। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये कल करना चाहिए, आखिर कल हमारी शादी जो है। मैं चाहता हूँ कि कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन हो, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते हो। तो हिया कहता है कि तो क्या मैं तुमसे अभी शादी कर सकता हूँ क्या। ये बोलो उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं कल का इंतजार करूँगा, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाकर रखूँगा। ये बोलो उसे किस करते हुए गले लगा लेता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।